फाइनली आ गए पेट्रोल पंप पर और अपने गाड़ी में डलवाते हैं तेल, और आप लोगों को दिखलाएंगे कि अपने गाड़ी में कितना फ्यूल डलाते हैं। स्टूडेंट है मीटर फोकस कीजिए, जीरो दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी के मेरे फिर से एक न्यू व्लॉग वीडियो में। दोस्तों हम जा रहे हैं आग तपने, जो कि मॉर्निंग में ठंड बहुत लग रहा है, तो दोस्तों गांव घर में कुछ इस तरह से आग तपते हैं। चलिए दोस्तों आग तपते हैं। दोस्तों ये सब देख सकते हो बकरी, जो कि अभी घर में ही बना है, जो कि ठंड है इसीलिए। एंड दोस्तों ये सब एकदम मस्त से स्वेटर पहना है, जो कि देसी स्वेटर है, चट्टी का बना हुआ। एंड दोस्तों इसका ऊन का है, जो कि एकदम स्मार्ट है इसीलिए इसका ऊन का बना हुआ है। और दोस्तों ये सब का चट्टी का बना हुआ है, देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बना है, और दोस्तों ये वाला जो है जो कि नया बना है। एंड दोस्तों हमारे दूरा पर टूट गया है, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों वो सब दिन में यहाँ पे बनाता था, तो दोस्तों ये सब टूट गया है, तो दोस्तों ये सब को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों ये सब बहुत ही मेहनत फिर से करना पड़ेगा, तो ये सब टूट गया है। एंड दोस्तों मुझे पूरा भी लाने जाना है बॉन में, तो चलिए दोस्तों थोड़ा देर के बाद चलेंगे बॉन में भी पूरा लाने, तो आप लोगों को दिखलाएंगे मैंने पूरा किसको बोलते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जाकर आप लोगों को बतलाएंगे। हम बोल रहे थे जाएंगे पूरा लेने, दोस्तों ये पूरा है, और दोस्तों ये लिए रहा बांध के, इसमें ले जाएंगे, तो आप लोगों को दिखलाएंगे कि हम कैसे ले जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा रहा पूरा, दोस्तों हम इसी को पूरा बोल रहे थे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग इस अपने गांव में इसको क्या बोलते हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दोस्तों हमारा ये रहा गेहूं, जो कि इसमें है वहाँ जितना देख रहे हो ये अपना ही गेहूं है, जो कि इधर पट गया था खेत, दूसरे लोग ने पटाया था दोस्तों, उधर ख़राब ही हो गया है, तो दोस्तों इसको ही लाएंगे। दोस्तों इसी के वास्ते हमें इधर मॉर्निंग में आना पड़ता है, तो दोस्तों ये पूरा लेंगे, और दोस्तों उधर भी घूमने चलना है, जो कि यहाँ से उस रोड पे भी मस्त व्यू आता है, यानी घूमने में मज़ा आता रहता है हमको, तो चलेंगे इस पे बांध कर ले जाएंगे। तो दोस्तों हम कैसे रखते हैं सब प्रोसेस आप लोगों को हम दिखलाएंगे। तो गाइस फाइनली अपने माथा पे रख लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरह। एंड दोस्तों मुझे 1 किलोमीटर ले जाना है ऐसे ही, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे रखते हैं पूरा। एंड दोस्तों मेरा ऑटो भी लग गया, दिस इज माय ऑटो। एंड गाइस मुझे रेडी भी होना है, बिकॉज मेरा क्लास स्टार्ट होगा 8 बजे से। चलिए दोस्तों मैं अपना फ्रेश हो जाता हूँ अपने स्टडी के लिए, तब तक दोस्तों फाइनली रेडी वेडी होकर मैं अपने स्टडी के लिए बैठ गए। एंड दोस्तों आज है 25 दिसंबर, एंड दोस्तों आज है क्रिसमस डे। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे एल सब्सक्राइबर को हैप्पी क्रिसमस डे। एंड दोस्तों आज का एक विशेष क्रिसमस डे में होता है, क्रिसमस डे में तो सभी स्टूडेंट गिफ्ट विफ्ट भी देते हैं। एंड दोस्तों क्रिसमस डे में एक क्रिसमस ट्री स्पेशल में रखा जाता है, जैसे कि केक काटते हैं वैसे ही क्रिसमस डे में एक स्पेशल ट्री रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना स्टडी करते हैं। फाइनली खेत में आए हुए जो कि पट रहा है खेत हमारे मोटर से, तो चलिए दोस्तों उसको इधर से उधर करना, यानी दूसरा क्यारी में चल रहा है उसको हटाना है, जो कि देख सकते हैं सब पट रहा है, तो इसको ही हटाना है और देखते हैं कितना पटा है कि नहीं। सारा पट गया है, देख सकते हो ये सब पट गया है, और पूरा पटाना है इस पाइप से। तो दोस्तों इसको पाइप छोड़ाते हैं, ये सब पट गया और इस रात में नहीं पटा है, दोस्तों इस साइड में रखते हैं। तो गाइस यही मोटर है, और दोस्तों इधर रख देते हैं, जो कि इधर पूरा पट जाएगा यहाँ पे रख देते हैं, और दोस्तों ये सब पट जाएगा, तो फिर इसे करते करते हटाना होगा, और जब तक चलते हैं और देख सकते हो सब उतना पटा है, जो इसी से पटा है, और दोस्तों ये सब पट जाएगा इधर, तो दोस्तों इसमें रख देंगे, तब तक चलिए दोस्तों चलते हैं। देख सकते हो इसीलिए जल्दी जल्दी उधर पानी नहीं जा पाता है, नहीं तो इधर तो हो गया, इधर भी अपने ही कहते हैं पड़ता है। दोस्तों तब तक चलते हैं और हो जाएगा, तो फिर आना पड़ता है 20-20 मिनट में,
तो चलो चलेंगे। क्रिसमस डे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं थोड़ा वॉक करने, और दोस्तों क्रिसमस डे पर हम कुछ आज खाएंगे और बच्चों लोग को भी बांटेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्कूटी से चल दिए और दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट लोग के लिए, यानी हम अपने दोस्तों दोस्त सबको खिलाएंगे क्रिसमस के, बिकॉज अभी स्कूल तो नहीं जाते इसीलिए गाँव घर में ही स्टूडेंट लोग के बच्चे लोग के फ्रेंड लोग को खिलाएंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, और दोस्तों हमारा फ्रेंड का एकदम बंगला दिखलाते हैं क्योंकि हमारा फ्रेंड का बहुत ही बड़ा बंगला होना है। तो आप लोग रास्ते साइड में ये रहा देख सकते हैं कितना ही लुक एकदम मस्त वाला है, और दोस्तों एक दिन उसका भी कराएंगे जो कि एकदम फेमस हो गया है। पुलिस रोड में आए हुए एंड दोस्तों हमारे छोटे छोटे बालक हमारे गाँव के जो कि पतंग उड़ा रहे तो दोस्तों देख रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं, और दोस्तों हमारा फ्रेंड भी आज फाइनेंस में मोबाइल ले रहा है जैसे कि हमने लिया वैसे ही ले रहा है, तो दोस्तों उसी ने हम इनवाइट किया यानी बुलाया है, तो दोस्तों आया है, दोस्तों इधर भी आ गया है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और दोस्तों पतंग उड़ा रहा है देख सकते हो जो कि उतना दूर ले गया है, तो उड़ेगा तो आप लोगों को दिखलाएंगे। और गाइस फाइनली हम इवनिंग आफ्टरनून मॉर्निंग सब जगह आते हैं, तो दोस्तों इवनिंग में आए हुए इस पुला पे एंड दोस्तों मैं अपना बाइक भी लाया बिकॉज हमारे बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, दोस्तों कैसे भी करके लाए एंड दोस्तों इसको ले चलेंगे कहाँ पेट्रोल पंप पर जो कि इसमें तेल भी नहीं है, देख सकते हो मीटर में कुछ नहीं आ रहा है बिकॉज इसका बैटरी हो गया है शॉर्ट डाउन यानी ठंडी अभी इसीलिए हो गया है। और दोस्तों ये इंग्लैंड का बॉय है, क्या बोल रहा है बोलता बोलिए सर, क्या बोले बोलो जे बोलने मन में था से बोलो मगर बोलो वेरी सैड। तो गाइस ये लड़का इस उम्र में सैड है, दोस्तों इसका अभी यंग एज में सैड है, दोस्तों यंग एज में सैड नहीं रहना चाहिए जो कि इतना हरा वाला ये सब पेड़ के जैसा ये सब खिल रहा है ऐसे खिलना चाहिए इसको, लेकिन ये इसको इस उम्र में और चाचा जी नहीं सुन रहे हमारे गांव के, देख सकते हैं एकदम जा रहे हैं इग्नोर करके बिकॉज क्या बताए कुछ नहीं बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपना गाड़ी लेता हूं और दोस्तों इसमें तेल डलाऊंगा जो कि आज मार्केट है, दोस्तों मार्केट में घूमने में हमको दिक्कत हो गया यानी प्रॉब्लम हो गया अपने बाइक से, दोस्तों देखे तो इसमें गाड़ी में तेल ही नहीं है, तो जाते हैं आज टंकी फुल कराने, फुल नहीं कराएंगे जितना हमसे हो सकता है यानी हम लोग जॉबलेस बॉय है स्टूडेंट है, तो दोस्तों इसके वजह से थोड़ा थोड़ा ही तेल डलाना पड़ता है। तो दोस्तों चलेंगे और ये भैया सब UPSC BPSC के दोनों एस्पायरेंट हैं, गाइस हमारा फ्रेंड जो है यानी हमारे गांव का ही फ्रेंड है, तो दोस्तों ये सब इस रतन भाई का सब कुछ बन गया है, घर भी बन गया है और सब कुछ बन ही गया बना है ना। तो दोस्तों एक बात इससे पूछना है, और इसको सब कुछ अवेलेबल है जैसे कि यंग में जितना कुछ होता है यानी मनी उनी का अवेलेबल होता है सब कुछ इसके पास पूर्ति है, तो इससे हम पूछते हैं एक सवाल, तो मैरिज कब करते हो आप बताइए गाइस बोलो ना, जॉब लगने के बाद। चलो इसका जॉब लगने के बाद है दोस्तों। तो गाइस एक तो सवाल पूछ दिए तो बोला है शादी हो जाने के बाद जॉब यानी जॉब लगने के बाद मैरिज करेंगे, तो ये दोस्तों एक और सवाल पूछते हैं, दोस्तों अभी गर्लफ्रेंड उर्लफ्रेंड है कि नहीं? लड़की से दूर रहते हैं हम, लड़की से दूर रहता है, अगर बीच में तुम्हारा फॉल्ट निकल जाए तो हम आपको क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे बोलो, तुम्हारे जूते से और तुम्हारे गर्लफ्रेंड को जो अगर पकड़ा जाए बीच में उसको खून कर देना। चलो दोस्तों ये वीडियो ऑन वीडियो अपलोड होगा एंड दोस्तों पूरा खुल्लम खुल्ला बात हुआ है, तो दोस्तों देखते हैं यंग एज में और ये कितना सुपातर बनता है इसको हो जाएगा। और दोस्तों ये सब इंटरटेनमेंट के पर्पज से था लेकिन ये बात सीरियस था, पूरा गंभीर था जी, हमारा गांव का फ्रेंड वेंड था तो दोस्तों उसे तो सवाल पूछे, और दोस्तों बीच में कुछ होता है तो होगा ही कांड, एंड दोस्तों मेरा गाड़ी का कुछ इस गाड़ी में तेल उल नहीं है, तो चलते हैं पेट्रोल पंप पर एंड दोस्तों तेल डलवाएंगे जो कि हम लोग अभी यानी हम है अभी जॉबलेस बॉय एंड स्टूडेंट, दोस्तों होगा सब कुछ सभी समय के अकॉर्डिंग ऐसा चल रहा है लेकिन समय तो कचरा का बदलता है, तो हम तो इंसान है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर और दोस्तों तेल डलाएंगे। एंड दोस्तों हमारे गाँव में आज मंडे ना है, तो दोस्तों मंडे है तो हमारे गांव में मार्केट भी लगता है, तो दोस्तों जेबी में उतना अभी गांधी नहीं इसीलिए उतना आंधी नहीं हो रहा है अपने लाइफ में, तो चलो दोस्तों अपने गाड़ी में तेल डलवाएंगे और चलते हैं। गाइस फाइनली आ गए पेट्रोल पंप पर और अपने गाड़ी में डलवाते हैं तेल, और आप लोगों को दिखलाएंगे कि अपने गाड़ी में कितना फ्यूल डलाते हैं स्टूडेंट है। मीटर फोकस कीजिए, जीरो दिखाइए, फाइनली अपने गाड़ी में फ्यूल डला लिए दोस्तों हम और हमारा फ्रेंड जो कि आप चलते हैं भ्रमण करने अपने बाइक से, तो दोस्तों हमारा बाइक स्टार्ट है और दोस्तों देखिए ये सुपर बाइक का नजारा देखो,
और ये है सुपर बाइक का एकदम मस्त वाला स्लेटर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मार्केट अपने गांव वाला में। तो गाइस फाइनली मार्केट में आ गए और ये मिला है कमीना दोस्त। मार्केट से कर लिए शॉपिंग तो नहीं किए, ओनली घूमे इन दोस्तों गोलगप्पा खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं, जो कि बहुत ही सारे भीड़ है। तो हम लोग साइड बैठे हुए जो कि ये नाला है देख सकते हो, और इस पे हम लोग बैठे हैं। अगर नीचे मोबाइल गिर जाएगा तो मिले कोई चांस ही नहीं है। तब तक हम वेट करते हैं और नेक्स्ट खाएंगे अपना गोलगप्पा। तो आप लोग दिखलाएंगे हमारे गाँव के लोग। फाइनली मार्केट से हम लोग जो गए कहाने गए थे तो गोलगप्पा है दोस्तों तेल भराने। तो दोस्तों तेल उल तो भर गया है दोस्तों, गोलगप्पा के लिए भीड़ में था बैठा दोस्तों, वो सब नहीं हो। एंड दोस्तों हम लोग फोफा खाएंगे, और उल्टी करो तो पलटाओ ना दोस्तों, इसको झिल्ली बोलते हैं हम लोग, तो इसी सबको मजा लेते हैं। फाइनली आज बहुत जगह घूमे थे, जैसे कि हमारे घर में फाइनेंस के रिलेटेड लोन लेते हैं दोस्तों, तो इसमें भी गए थे मॉम के साथ दोस्तों। 56,000 के लोन पास हुआ है। तो दोस्तों उसमें जो लोन के अथी होता है सदस्य के एक बनता है मेंबर में, वो दोस्तों 500 रुपया लेता है दोस्तों। ऐसा मंथली में 10 से 12 बार हो जाता है दोस्तों, उसका महीना 36,000 ऐसे ही निकल जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों गांव में जो मुखिया सरपंच बनते हैं दोस्तों, तो मुखिया सरपंच बनने के लिए जितना भी रुपया लगाता है 3-4 लाख 6 लाख दोस्तों, वो खुलेआम बोल रहा था। आज हम लोग गए थे मुढ़ी चप खाने यानी गांव के दुकान पे, दोस्तों खुलेआम बोल रहा था इतना लगाया तो फंड से किसी न किसी फंड से तो उतना निकलवाएंगे ही। एंड दोस्तों मोबाइल का जो होता है फाइनेंस, वो भी लोग जो फाइनेंस करवाते हैं, यानी कि हम भी फाइनेंस करवाए थे अपना मोबाइल का। एंड दोस्तों मैं अपना फाइनेंस के रिलेटेड जो वीडियो डाला था दोस्तों, तो वो यूट्यूब वाले ने ही कैसे न कैसे डिलीट कर दिया था, उसके रिलेटेड मैंने बोला था, इसीलिए वो भी वीडियो डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों वो भी इतना चार्ज लेता है, इतना यानी एक मोबाइल पे 2-3 हज़ार रुपया उसका बेनिफिट होता ही होता है। एंड दोस्तों अगर बाउंस लोन होगा तो दोस्तों उसमें भी 1,000 रुपया जाएगा। तो दोस्तों हर जगह कुछ भी काम होता है दोस्तों, तो इस जनरेशन में ओनली घुस के बिना कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है गाँव में। एंड दोस्तों आज ये गाँव में घूमे हैं पूरा, जहाँ जहाँ होता है ये सब घूमे हैं। तो दोस्तों ये सब सुने हैं तो समझ में आया दोस्तों, आप सबके बीच मैं शेयर किया हूँ। एंड दोस्तों मैं अपने ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, तो ऐसा नहीं करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका ही चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।